आरोप लगा देश के ऊपर कि भारत की पुलिस, भारत की व्यवस्था, भारत की सत्ता पार्टियां कभी मुसलमान को गृहमंत्री नहीं बनाती क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं गद्दारी ना कर दे। हमने कहा कि शायद ऐसा होता होगा, शायद यही वजह है। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में भारत का पहला मुसलमान गृहमंत्री बना, 8 दिसंबर 1989 को, 89 को। उस आदमी का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 दिसंबर को बनता है और 8 दिसंबर को और 19 जनवरी के बीच में भी महीना भी पूरा नहीं हुआ था और 19 जनवरी को पूरे कश्मीर के अंदर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के, रेप करके, बच्चों को उछाल उछाल के मारा है। टीपालाल टकरू उनके सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े थे, उनका जब सड़क पे मर्डर किया गया तो मोटरसाइकिल घुमा रहे थे उसके पीछे चारों तरफ और कह रहे थे कि किसी ने इस काफिर को पानी दिया तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। न मुफ्ती की बेटी रोई, न अब्दुल्ला रोया, न कश्मीरियत कहीं आई और चुपचाप खत्म हो गया। आज इसके बारे में कहीं बात नहीं होती। और उसी दौर में यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि मैं उसी थॉट से सोचता हूं जिस थॉट में रहा हूं, आप उस थॉट से सोचते हैं क्योंकि आप सब समाज के लोग हैं, आपने वैसा नहीं देखा। उसी दरमियान भारत के गृहमंत्री की बेटी का अपहरण हो गया। कोई जरा पूछ के वहां जाए, बाहर के विदेशी पत्रकारों की रिपोर्टिंग पढ़ ले भाई, हिंदुस्तानियों पे तो यकीन नहीं है। खुद ही कराया, उसका कमिटमेंट देखिए अपने आतंकवाद के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने एजेंडे के प्रति। देश के गृहमंत्री ने अपनी बेटी का अपहरण कराया, वो तो घर में थी, उसके बदले में आपने 4 आतंकवादी छोड़ दिए, बेटी बेड के नीचे से बाहर आ गई। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है भाई। उसी दरमियान में एक साहब हैं, सेकुलर हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका नाम है गुलाम नबी आजाद। अब ये मुझे पता नहीं है कि वो इस्लाम से आजाद हैं कि नबी के गुलाम हैं, या नबी के गुलाम हैं कांग्रेस से आजाद हैं, ये मुझे पता नहीं। उनके घर में भी उनका एक भतीजा गायब हो गया और इतनी तेजी से हो रहा था, लग रहा था कि खट खट काम करना है। और क्या डिवाइस निकाली उन्होंने कि उनका भतीजा गायब हुआ, 27 आतंकवादी छोड़ दिए, शाम को भतीजा घर आ गया। एक और साहब हैं जिन्होंने वोट वाजपेयी के दरमियान दिया था, नाम जानते हैं, सैफुद्दीन सोज साहब, उनकी भतीजी गायब हो गई। ये ऐसे लग रहा था कि सबका एजेंडा कितना खूबसूरत है। वो बात अलग थी कि वो वहां जब थे उनकी हैसियत दूसरी थी, वो दूसरी पार्टी में थे, उसके बदले में भी 7 लोगों को छोड़ दिया आपने। तो पहला इस देश के अंदर अगर हम ये कहें कि इंटरनेशनल टेररिज्म जो है वो भारत में कैसे पनपा, उसके लिए जिम्मेदार भारत का ये पहला मुसलमान गृह मंत्री है। एक घटना हो जाती है मोदी के दौर में हुई, पूरी दुनिया में छा गई साहब, पूरी दुनिया के अंदर हंगामा हो गया। कोई वीजा रुकवाने चला गया, कोई धरना करने चला गया, कोई प्रदर्शन करने चला गया, लेकिन 5 लाख हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी हैं। दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली हाट के सामने कोई पान की दुकान कर रहा है, कोई चूरन की दुकान कर रहा है, कहां कहां रह रहे हैं, कोई बंगलोर भाग गया, कोई कहीं भाग गया, लेकिन इस देश में कोई बड़ा जुलूस, कोई बड़ा प्रदर्शन, कभी संसद इसके लिए नहीं रही। इसलिए मैं जुडिशरी की भी तरफ आता हूं। अभी कुछ घटनाएं इस देश में हो गई कि किसी ने अखलाक को मार दिया, किसी ने गोरक्षक ने किसी को मार दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये घटनाएं हैं, इसको आप अपने गूगल पे जाके सर्च करें। चंद घटनाएं हुई और चंद गुंडेलों की, और भारत के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा कि जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो गुंडे हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उन पर केस चलना चाहिए। लेकिन चंद घटनाओं से ये लिंचिस्तान बन गया, चंद घटनाओं से, जिसका किसी समाज से, किसी धर्म से लेना देना नहीं था। यहां भी समझ में आता है, सुप्रीम कोर्ट की बैनर हेडलाइन खबर थी, बैनर हेडलाइन खबर थी, वी विल नॉट एक्सेप्ट
this lynching, government should take immediate and drastic action. इसी हिंदुस्तान के अंदर 1984 में दिल्ली के अंदर लुटियन दिल्ली में, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारी सत्ताएं के सबका पावर है, वहां 3,500 सिखों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, सड़कों पे मारा, गले में टायर डाल के मारा, बच्चों को उछाल उछाल के मारा, बॉक्स में जो लोग छुप गए थे उस बॉक्स में आग लगा के मारा। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि इस देश में अगर मॉब लिंचिंग पहली हुई थी तो वो तो ये थी, कभी नहीं बोली। 3.5 लाख और 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ किया, वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पाखंड और ड्रामा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सेनाओं को डायरेक्शन दे रही है। क्या डायरेक्शन है साहब? कि देखिए, आप जब आतंकवादी से लड़ें तो ये जो पीछे जो आपके देशभक्त लोग हैं जो आप पे पत्थर मारते हैं, क्योंकि भटके हुए लोगों ने पता नहीं पत्थर कहां मारना था, तो गलती से आप पे मार रहे हैं, लिहाजा आप इन पे गोली ना चलाएं, आप इनके ऊपर प्लास्टिक की गोली चलाएं। सेना का एक आदमी विदेशी आतंकवादियों से लड़ रहा है, उसका मुंह इधर है, फिर वो अपनी बंदूक से प्लास्टिक की गोली डाले फिर इधर चलाए। जब उनसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बोले नहीं, उनके ऊपर पानी डालें, गर्म पानी डालें, तो वो पहाड़ों में पहले टैंक लेके जाए अपने कंधे पे कि पहले नहीं पानी। मतलब मानसिक दिवालियापन है इस देश के अंदर यार। वही कहता है कि गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो, प्लास्टिक डालो, और इतनी चिंता होती है कि बाकायदा प्लास्टिक की गोलियों की नपाई इंची टेप से करने लगता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता है कि मुंबई की दही हांडी की लंबाई कितनी है। भाई ये ज्यादा हो गई आधी इंच तो भाई साहब पे केस चलेगा, महाकाल पे पानी कैसे चढ़ेगा, आधे किलो चढ़े, 250 ग्राम चढ़े। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से सटा हुआ एक 40 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, एक आदमी, वो गलत था सही था यह विषय नहीं है, वो किसी गलत काम में पकड़ा गया यह बात अलग है कि वो भी वही सब कर रहा था। अगर 1400 साल पहले टेलीविजन होता तो तब भी यही हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुआ क्या कि जब आपने कहा कि राम रहीम का ये जो पूरा इसका वो बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना है और यहां बड़ी गंदगी हो रही है, बड़ी मारकाट हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने से पहले आप ये देखिए कि मात्र दिल्ली से 40 किलोमीटर जो एनसीआर का इलाका है जहां सत्ता चलती है, आपने उन लोग जो उस राम रहीम के चाहने वाले थे, राम रहीम गलत था सही था यह विषय नहीं है मेरा, लेकिन राम रहीम के चाहने वालों ने पुलिस को उसकी जो बना हुआ था उसका बड़ा सा आश्रम उसमें जाने से रोका। ना तो उनके हाथ में डंडा था, ना AK-47 थी, ना वो किसी को मार सकते थे, रोकने का अधिकार था, एक डेमोक्रेसी में रोक रहे थे वो, आपको पूरा अधिकार था। ना इस देश में उन पे लाठीचार्ज हुआ, ना उनके ऊपर कैनन से पानी डाला गया, DCP ने ऑर्डर दिया, पॉइंट ब्लैंक गोली चली और 34 लोग मर गए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आपको गर्म पानी डालना चाहिए था, आपको पानी नहीं डाला आपने तो आपको केन चलानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं कुछ। वो तो भारत की सत्ता के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे ना भाई, वो तो हथियार भी नहीं उठाए थे। ये पाखंड है आपके सुप्रीम कोर्ट का। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो डेट देंगे कि 6 तारीख को अयोध्या की सुनवाई होगी, फिर 6 तारीख को जज आएंगे, फिर जज के पेट में दर्द हो जाएगा, फिर जज चला जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, दुनिया की हर ताकत आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेगी, क्योंकि आप सामूहिक तौर पे के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकालते हैं, आप बोलते नहीं हैं। मैंने इसीलिए कहा कि इस देश की मुख्यमंत्री कह सकती है ये बात, मुझे और आपको किसने रोका है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, ठीक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, करें 5, 10, 20, 50 लाख लोगों पर करेंगे, करिए। हम डरते क्यों है भाई? अब इस देश में भी हम डरेंगे भाई? महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं डर लगता और क्यों आपको डर लगता है? उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि हम तिरंगा नहीं उठाने देंगे अगर इससे आपने छेड़छाड़ की गई? वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था भाई, हम बोलते नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट अजीबोगरीब फैसले देती रहती है। इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट भी ये जानती है
कि ये समाज जो है ये बात अलग है कि आप जाग गए, बाकी तो सोई रहे ना, आपने जगाने भेजा इसे, वो चौकीदारी करके सीटी बजा बजा के जगा रहा है, लेकिन समझ नहीं रहे वो लोग कि भाई ये जगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बस वो इतने ही सिंबॉलिक समझ रहे हैं, उसकी फिलॉसफी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उसके समझने के लिए ये चाहिए होता है। मैंने अभी कल परसों के भाषण में कहा, तब लोगों की समझ में आया कि अच्छा ऐसा है, मैंने कहा इसलिए कि आप पढ़ते नहीं है, आपको सब चीजें नजर आती हैं जो दिखनी चाहिए, जो नहीं दिख रही वो भी बहुत कुछ बदल रही है। इसलिए भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ था, भारत की पहचान ताजमहल और लाल किला और कुतुब मीनार नहीं है, भारत की पहचान 5000 साल पुरानी है। आपको एहसास ही नहीं है कि आप किनके वंशज हैं, आपके अंदर का पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है, आपका आदमी एक कहानी सुना करके पहले मन की बात में लोगों को बताने की कोशिश करता है कि भैया ऐसे समझ जाओ। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद इतने ही कह सकता हूं, किसी की समझ में नहीं आ रहा, लोगों ने उसको कहानी सुना जैसे कोई दादी और नानी ने सुना दी हो। तीन तीन बार जब मैंने लोगों से कहा अच्छा साहब ये मतलब था, मैंने कहा भाई साहब ट्यूबलाइट है क्या आप? पहले मन की बात और पहली पार्लियामेंट की स्पीच को सिर्फ पर्पस से सुनिए, अगर ऐसी सोच के लोग 10-20 भी हो जाएंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि समाज क्यों नहीं उस तरफ बढ़ रहा, आप नैरेटिव क्यों नहीं निकाल पा रहे, ये आपको क्या दिक्कत है, आप बोल ही नहीं रहे। इसीलिए राष्ट्रपति भवन के अंदर अब इफ्तार नहीं दिया जा रहा, इसीलिए राष्ट्रपति भवन में आने वाले विदेशी मेहमानों को भोज के बाद ताजमहल की जो वो पहचान थी ना भारत की, क्योंकि हम लोग तो वहां ताज से चाय पी रहे थे, हमें क्या पता था ये पहचान भी बन जाएगी, वो दी जा रही थी कि ये भारत की पहचान है हर विदेशी आदमी को, एक कब्र, ताजमहल एक खूबसूरत कब्र है कि नहीं है? भाई दुनिया में कौन सा आदमी होगा कि आपके घर में कोई कभी कब्र अपने घर में जाके लग दीजिए, आप सोचो ना थोड़ी देर के लिए। भाई उसने कहा प्रणब मुखर्जी साहब से कि ये हम क्यों देते हैं, तो बोले ये तो परंपरा चली आ रही है। प्रणब मुखर्जी पहली बार मिल रहे थे, उन्हें पता नहीं ये तो परंपरा तोड़ने का आदि है। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बात खत्म हो गई, उस वो गए ही नहीं, वहीं राष्ट्रपति भवन में तय करके आया, वहीं के वहीं हिसाब करा उसने, उसने वहीं से अपनी टीम को बुलाया, राष्ट्रपति को बिठवाया, उनसे सिग्नेचर लिए और कहा कि अब दुनिया के सबसे बेहतरीन पब्लिशर जो है वो गीता बनाएगा और गीता भारत की पहचान दी जाएगी। अगर आप परंपरा तोड़ेंगे नहीं और ये एक कवरअप ले लेंगे कि ये परंपरा है, तो परंपरा बनती ही टूटने के लिए है। शक्ति होनी चाहिए आप में, और ये ध्यान रखिए कि इतिहास में ये इतिहास तय नहीं करता कि कौन क्रूअल था, कौन जालिम था, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हुए होते हैं। आज आप पूरे दिल्ली के अंदर 57 सड़कें हैं, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, ये सारी रोड हैं, इन सब ने क्या किया आपको पता है, लेकिन इतिहास में जीते हुए थे इसीलिए इनका इतिहास है। आप जब 2014 में जिस डॉक्टर को आपने जिताया, पहला आर्टिकल पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल पढ़िए, किसी ने पढ़ा, आप में से किसी ने पढ़ा? देखिए मेरे बीच में बैठे हुए हैं, यह हर आदमी को पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना पहला एडिटोरियल मोदी के जीतने पे क्या लिखा था, उसकी क्रक्स बता रहा हूं, उसमें सिर्फ इतनी बात कही गई कि भारत आजाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। आप समझे ना समझे, दुनिया जानती है आपको,
वो जो दुनिया में यहां से कागज लेके गए और उसके बाद आज ये बना रहे हो, सब आप ही से लेके गए, आपने नहीं पढ़ा दूसरे ले गए, आपकी समझ नहीं आया। वो समझ रहे हैं कि क्यों ये भारतीय सरकार है, लेकिन इस देश के भारतीय नहीं समझ पा रहे कि ये भारतीय सरकार है। अभी तक जो सरकारें थी वो ट्रांसफर ऑफ पावर की थी,